भाजपा एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार को घेरे हुए है, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी अब पलटवार किया है। अशोक गहलोत ने एनसीआरबी के आंकड़ों को साझा करते हुए उसे बीजेपी के लिए एक कड़वा सच बताया है। सीएम अशोक गहलोत ने एनसीआरबी से जुड़े 8 आंकड़े जनता के सामने रखे और भाजपा को निशाने पर लिया है। क्या है वो सच, आपको बताते हैं। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है कि वो सच जो भाजपा को कड़वा लगेगा, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक प्रति लाख जनसंख्या पर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में देश में भाजपा शासित असम, केंद्र शासित पुलिस वाला राज्य दिल्ली, हरियाणा टॉप 5 राज्यों में है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म के सर्वाधिक मामले भाजपा शासित मध्य प्रदेश में है। साथ ही बीजेपी शासित प्रदेश में हो रहे अपराध और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की पूरी सूची सीएम अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में जारी की है। साथ ही अपने ट्वीट के अंत में अशोक गहलोत ने लिखा है कि राजस्थान में महिलाओं की पूरी सुनवाई होती है और पुलिस अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है। सिर्फ मणिपुर और बीजेपी शासित राज्यों की असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए केंद्र और राज्य के बीजेपी नेता राजस्थान को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के जयपुर प्रदर्शन पर सीएम अशोक गहलोत का ये ट्वीट एक तंज की तरह है। अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ बीजेपी ने आज राजस्थान के सचिवालय पर हल्ला बोला था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, राजस्थान।